खरगोन जिला प्रशासन ने महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के सहारे बढ़ते संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है और संक्रमित आंकड़ों में कमी भी देखी गई है। हम आपको बता दें कि पूर्व में सैकड़ों मरीज निकल रहे थे और रविवार को जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड में महज 8 कोरोना पॉजिटिव केस दिखाई दिए। इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर दीपक यादव ने बताया कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने से आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है, आमजन के लिए एक सुखद खबर है। जी, खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है अभी हम लोग और अभी केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव अभी अपने पास 8 पेशेंट हैं और सस्पेक्टेड अभी 18 हैं और टोटल अभी 26 पेशेंट DCHC में भर्ती। तब देखा जाए तो एकदम कम केस आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी कम हो गए हैं, एक या दो ही पॉजिटिव केस पर डे अब आ रहे हैं और सस्पेक्टेड केसेस में भी काफ़ी कमी हुई है। संभवतः ये सब लॉकडाउन और कोरोना अनुरूप व्यवहार के कारण पॉसिबल हो पाया है। फिलहाल में कितने हैं सर आज की स्थिति? आज की स्थिति में टोटल 26 पेशेंट हमारे पास। सर पॉजिटिव कितने हैं? पॉजिटिव 8 हैं और सस्पेक्टेड जो है वो 18 पेशेंट हैं। क्या नाम सर आपको? डॉक्टर दीपक यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।